तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि भी कम हवा का दबाव, ज़्यादा हवा का दबाव होगा, लोड ज़्यादा होगा, ब्रेकिंग का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, गर्मी धूप आदि से भी खराब हो सकते हैं, तो ये टायर खराब होने के कई कारण हम बता सकते हैं। इसके अलावा खराब रास्तों पर हम गाड़ी को अगर चलाते हैं तो कंकड़ पत्थरों से भी खराब हो सकता है, तो रास्ता भी एक उचित रास्ता हो उसका चयन आपको करना चाहिए। तो ये टायर खराब होने के कारण मैंने आपको कुछ बताया है। ECM का पूरा नाम क्या है? तो ECM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, है ना। एक होता है ECU, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, और ECM का होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये जो है ना, आजकल जो सेंसर वाली गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती है, इसमें ECM काम में लिया जाता है। बस में इंजन ऑयल कितना आता है? बस में इंजन ऑयल, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पर बस की बात करते हैं, 36 सीटर होती है, 42 सीटर होती है, इन बसों में लगभग आपके 11 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है, 11 लीटर। अब आपको इंजन ऑयल का ग्रेड पूछ ले तो 11 लीटर तो बता ही दिया आपने, ग्रेड पूछे तो 15W40 बताना है, ये ग्रेड ऑयल हो जाता है। अब आपसे पूछे कि भाई फिर 20W40 किस में काम आता है, तो आप कहोगे ये भी इंजन ऑयल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30W40 इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक ग्रेड पूछे तो आपको 15W40 ही बताना है। 15W40 बता दो या 20W40 बता दो या 30W40 बता दो, ये तीनों ही ग्रेड क्या है, इंजन ऑयल के हैं, तो आप इनमें से एक को बता देना। सबसे पॉपुलर आपका ये रहेगा, 2 नंबर पर आपको इसको रखना है, 3 नंबर पर आपको इसको रखना है, एक को बताना है, तीनों नहीं बताने भाई। अब है बस में इंजन ऑयल कितना, ठीक है। अब इंजन ऑयल को बदलते इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो गाड़ी है वो वहां पर खड़ी हो और तुरंत चल कर ना आई हो, इंजन गर्म नहीं होना चाहिए, और ड्रेन नट को खोल के पूरा का पूरा इंजन ऑयल जो पुराना है वो बाहर निकालेंगे, फिर से ड्रेन नट को टाइट कसेंगे और ऊपर से जो फिलिंग और इंजन ऑयल फिलिंग कैप होती है और जो इंजन के हेड में, तो उसको खोल के आप इंजन ऑयल को टॉप अप कर देंगे। डिपिस्टेशन लेवल देखेंगे कि उचित लेवल हो, लेवल से मैक्सिमम लेवल को क्रॉस नहीं करना है, मैक्सिमम लेवल को क्रॉस करने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, इंजन है वो ऑयल को उठाएगा और इंजन को जलाने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं भरना आपको, तो ये कुछ आपको सावधानियाँ रखनी है। समतल जगह पे गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, ये भी ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ओवरटेकिंग कैसे करते हैं? ओवरटेकिंग आप सभी को पता, जैसे कोई सड़क है, यहाँ पर माना कि ये इस प्रकार की बीच में लाइन होती है, तो आप जब ओवरटेकिंग करते हैं, माना कि ये गाड़ी यहाँ चल रही है, आप यहाँ चल रहे हैं, आप तो एक तो कंडीशन ये होती है, एक ऐसी सड़क होती है जिसमें आने जाने का रास्ता सेम ही होता है, तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही है, अब आप यहाँ चल रहे हैं पीछे, तो आपको आगे निकलना है, तो आप क्या करेंगे, रात का समय होता है तो आपको हेडलाइट फ्लैश करनी है, हेडलाइट फ्लैश करनी है, जिससे कि आगे चल रहे वाहन को पता चल जाएगा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, दूसरी बात, दिन में भी आप ओवरटेकिंग का, जब तक कि आगे चल रहा वाहन आपको इशारा न करे कि आप आगे निकल जाओ, तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ओवरटेकिंग हमेशा गाड़ी के राइट साइड से आपको करनी है, लेफ्ट साइड से नहीं करनी है। लेफ्ट साइड में केवल एक उपाय है, किसी चौराहे के समीप अगर आगे चल रहा वाहन, आप आगे चल रहा वाहन अगर राइट में मुड़ने का संकेत करे तो आप इसके लेफ्ट से भी आगे आप निकल सकते हैं, अगर ये मुड़ना प्रारंभ कर दे उसके बाद, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे चल रहा वाहन अगर राइट में मुड़ना शुरू कर दे तो आप उसके लेफ्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। बाकी हमेशा ओवरटेकिंग राइट साइड से की जाती है। इसके अलावा ओवरटेकिंग आपको ध्यान रखना है, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी या चढ़ान में कभी भी ओवरटेकिंग नहीं की जाती। कहां ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए? कर्व मोड़ हो वहां पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करना, अंधा मोड़ भी कह सकते हैं आप इसे, अंधे मोड़, जिनमें सामने कुछ दिखता नहीं है, और एक आप चढ़ान पे कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। तीसरी बात, जहां पर येलो लाइन होगी रोड के किनारे पर, वहां पे आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, है ना। येलो लाइन का किनारे का मतलब होता है वहां डेंजरस स्थिति है, आपको यहां पर थोड़ा सा ये सावधान रखना है, जहां पर येलो लाइन होती है ना वहां, मतलब कि ऐसा होता है कि एक क्षण के लिए भी आप गाड़ी अगर लाइन से बाहर जाते हैं ना तो वो खतरनाक स्थिति होती है, तो येलो लाइन का खास तौर से ध्यान रखना है आपको ओवरटेकिंग के समय, उसको पार तो करना ही नहीं है। तो इस कुछ चीजें होती जो ओवरटेकिंग करते से आप में आप ध्यान रखते हैं। रोड पर लाइन का क्या मतलब होता है? रोड पर लाइन का मतलब देखो, जैसा कि ये कोई सड़क है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बीच में जो है आप देखते हैं यहां पर डैश डैश होते हैं व्हाइट कलर में, ठीक है। तो ये कब होते हैं? जब आप जो मतलब कि एक जाने का रास्ता होता है, एक आने का रास्ता होता है, ठीक है। ये एक तो ये होता है, एक आप देखते हैं ये एक लाइन जाने के लिए आने के लिए बीच में एक ठोस लाइन है, तो ये मतलब कि कब होता है, ये भी एक जाने के लिए एक आने के लिए होता है। अब यहां पर अगर येलो लाइन आ गई, देखो व्हाइट में और येलो में फर्क क्या है,
जहां आपको रोड पर, माना कि जैसे ये सड़क है, यहां पर अगर व्हाइट लाइन डैश डैश में दिख रही है, ये डैश डैश होगा यहां पर दोनों ही मतलब गाड़ियां हैं आगे जा रही, एक जो सड़क है उसको दो भागों में डिवाइड करने के लिए व्हाइट अगर ये है तो ये होगी, और यही अगर ये येलो हो गई ना, येलो, तो ये फिर क्या होगा, एक जाने के लिए है एक आने के लिए है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, और जहां पर जो व्हाइट लाइन अगर बीच में है तो ये जो एक जाने के लिए एक आने के लिए भी हो सकती है। अब इसके अलावा किनारे पर जो आपके रोड लेन होती है, कोई सड़क है, ये लाइन जो साइड वाली है ये व्हाइट कलर में है, तो ये क्या बताती है, ये रोड की लिमिट बताती है कि यहां तक सड़क है, और ये बीच में अगर येलो लाइन है तो ये आपको ये बताती है कि आपको इसको पार नहीं करना है। ये येलो लाइन बीच में होती है, इसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। अगर किनारे पर येलो लाइन आ गई, किनारे पर येलो लाइन आ गई है, तो ये आपको या नो स्टॉपिंग, नो स्टॉप, नो स्टैंड, यानी न तो रोक सकते हैं ना आप खड़े रह सकते हैं, ऐसी स्थिति में येलो लाइन यहां पर किनारे पर लगाई जाती है कि भाई आपको इस लाइन, जब तक ये येलो लाइन है तब तक आप यहां पर इस सड़क पर आप गाड़ी को रोक नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते, डेंजरस पोजिशन होती है। तो किनारे पर येलो लाइन अलग मैटर है, किनारे पर व्हाइट लाइन अलग मैटर है, व्हाइट लाइन बीच में अलग मैटर है, और येलो लाइन बीच में अलग मैटर है, चारों का आपको अर्थ यहां पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, टाटा 407 का इंजन कितने सीसी का होता है। टाटा 407 का इंजन आपको ऑलमोस्ट बताना है लगभग भाई 2900 या 2926 52, ये कई मॉडल होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो आप बता सकते हो, डायरेक्टली आपको रेंडम बताना है, रेंडम में आप कह देना सर 2900 सीसी का होता है, ठीक है, 2900 सीसी का, या इसको कई लोग 3 लीटर में भी बताते हैं, 3 लीटर का इंजन है, क्योंकि आपको पता होगा 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर पूछ सकते हैं आपसे, 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है, ठीक है ना। तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3000 सीसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 सीसी। और आपके टाटा का कितना होता है, 2956 का भी होता है, 2926 का भी होता है, तो ये रेंडमली होता है, कई हर मॉडल के अकॉर्डिंग है। टाटा की 407 भी गाड़ियां कई मॉडल में आती है, तो आपको लगभग 2900 साढ़े 2900 के आसपास का एक फिक्स वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे इतना डीपली नहीं पूछते। अब एक सवाल आया है, हैंड ब्रेक के दो उपयोग बताओ, भी हैंड ब्रेक है इसका आप इस्तेमाल कब कर सकते हैं। हमेशा आप सभी को पता है, जब आप गाड़ी को खड़ा करते हैं, मतलब पार्क करते हैं, पार्क करते समय आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह पहला उपयोग तो हैंड ब्रेक का ही हो गया। दूसरा उपयोग है, आप आपातकालीन स्थिति में, आपातकाल में, केवल आपातकाल में नहीं, आपातकाल में गाड़ी मेन ब्रेक, मुख्य ब्रेक फेल हो जाने पर, मुख्य ब्रेक फेल हो जाने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको जानना है। लेकिन जब मुख्य ब्रेक के फेल होने पर हैंड ब्रेक का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बड़ी सावधानी से करना है, गाड़ी के पलटने की पूरी संभावना रहती है, तो आप सावधानी से, चालाकी से आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है बात कि गाड़ी को, क्या गाड़ी को रोकने के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, केवल इमरजेंसी के तौर पर, अगर मेन ब्रेक फेल हो तभी आपको गाड़ी को रोकने के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल सावधानी से हल्का करना चाहिए। अदरवाइज आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल गाड़ी को रोकने के लिए नहीं करेंगे, केवल पार्किंग के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये गाड़ी के हैंड ब्रेक के दो उपयोग मैंने बताए, पहला गाड़ी को जब कहीं पर खड़ा करना हो तो आप हैंड ब्रेक लगा के रखेंगे, दूसरी बात जब मेन ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी को रोकना हो तो आप हैंड ब्रेक का हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, सावधानी से, गाड़ी के पलटने की अधिक संभावना रहती है। अब दूसरी बात यह है, आपसे पूछे हैंड ब्रेक आगे या पीछे कौन से टायरों में लगाए जाते हैं, तो ये हमेशा पीछे वाले टायरों में लगाए जाते हैं। पूछ ले क्यों लगाए जाते हैं, कारण क्या है, आप सभी को पता होगा कि गाड़ी के आगे के जो टायर होते हैं वो दिशा को कंट्रोल करते हैं, किस दिशा में गाड़ी को ले जाना है। हैंड ब्रेक क्या करते हैं, हैंड ब्रेक अचानक टायर को पकड़ लेते हैं और वो आप छोड़ते नहीं है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया और आगे का टायर अगर पकड़ में आ गया, फिर गाड़ी पलटना पॉसिबल है, 100% श्योर है गाड़ी पलटना फिक्स हो गया है। यही अगर स्थिति पीछे में आ जाए, आप हैंड ब्रेक लगाएंगे कि एक संभावना है कि आप गाड़ी को पलटने से बचा लेंगे, इसीलिए आगे के टायरों में हैंड ब्रेक लगाना यहां पर खतरे से खाली नहीं होता। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि हैंड ब्रेक हमेशा पीछे के टायरों में लगाई जाती है सुरक्षात्मक कारणों से, क्योंकि जब भी गाड़ी चल रही होती है अगर आपने हैंड ब्रेक खींच लिया तो पीछे के टायरों से कम खतरा है, और आगे के टायरों में हैंड ब्रेक खींच दिया तो गाड़ी 100% पलटी मारेगी और दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए हैंड ब्रेक को हमेशा पीछे के टायरों में लगाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि पीछे के टायरों में भी हैंड ब्रेक अगर आप चलती गाड़ी में अगर लगा देते हैं ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा कभी करना मत,
तो ये कुछ सवाल जवाब मैंने जो आपके साथ में डिस्कशन करने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा वाला कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आई है तो, और बाकी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और आया है तो एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट और वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ में शेयर करना, ये दो काम छोटे से आप कर देना। बाकी मैं यहाँ से काम तो कर रहा हूँ। आपके पास में कोई नया सवाल है जिसका जवाब आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरे हैं 8764188848। आपका जो भी सवाल होगा वो सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। आपके पास में कोई नया सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, आपको जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और गजब के सेशन यहाँ पे मैंने लिए हैं, ये 8वां सेशन है, 7 सेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।